गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू मैत्री आर्यन। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट 2.6। किसने किसने किया है और किसने नहीं किया है आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। एनी डाउट इन इट? ओके मैत्री, आई हैव चेक्ड योर होमवर्क। ओके, बाकी अनुज, आर्यन, अविग्ना, धीरज, हर्ष, जय, आप लोगों ने किया है? ओके मैत्री, वेरी गुड। ओके धीरज, नो। ओके अनुज, आपने किया है? अनुज, प्रेरणा, जल्दी बताओ यार। ओके, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.6 में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिनको भी अभी दिक्कत है उनका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैत्री, आप ने कर लिया है, वेरी गुड। सो आप मतलब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको कैसे करते हैं इसको, ठीक है? तो ये काफी मतलब आपको स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको इक्वेशंस लिखने होते हैं। और आप जब करेक्ट इक्वेशन लिख लोगे, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years एगो एंड 3 years हैंस इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, और ये सब कर भी लिए होंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा तो ये आपका क्वेश्चन है कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है आपका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है? तो सर आई थिंक आई हैव नेटवर्क इशू एज वॉइस ब्रेकिंग ऑन माय साइड। ओके मैत्री, किसी को और किसी को दिक्कत है वॉइस से? एम आई क्लियरली ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू। तो ये जो आपका है यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो कौन सा दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका स्क्वायर का सम जो है वो 244 होगा? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले को हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ओके, एक नंबर हम लोग एक्स ले लेते हैं, देन अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर अदर नंबर इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है वो जैसे कि जैसे एक्स है, तो एक्स में प्लस वन करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर प्लस वन करेंगे उसके आगे वाले में तो फिर हमको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो ऐसे आपका कंसेक्यूटिव नंबर होता है,
लेकिन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें आई थिंक सब कुछ इरर है जैसे कि मैंने चेक किया था। ओके यस मैथ्री, तो जैसे कि यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में जो है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो दिया हुआ है, यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होगा। ओके इवन नेचुरल नंबर आप सॉल्व करोगे तो ये तो खैर मतलब कि सॉल्व होगा, लेकिन जो आपके एक्स के वैल्यू आएंगे वो आपका कुछ मतलब कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में अगर आता है आपका एक्स का वैल्यू, इट्स मीन कि ये कुछ मतलब इरर है। ओके तो इसीलिए यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर होगा। तो इवन के लिए जैसे कि मान लीजिए कि नेचुरल नंबर अगर कोई है इवन नंबर, तो अगर बात करें इवन नेचुरल नंबर का, तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर आपका क्या होता है? टू। नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे टू है, तो अगर टू प्लस वन करते हैं, ठीक है, अगर टू प्लस वन करेंगे तो ये क्या होगा? थ्री होगा। तो थ्री इज ऑड नंबर। ओके थ्री इज ऑड नंबर। तो जब भी हमको नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर चाहिए उसमें हमको टू ऐड करना होगा। तो टू प्लस टू फोर हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर हम एक कोई इवन नेचुरल नंबर जो है वो हमने एज्यूम किया एक्स, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर एज्यूम किया एक्स, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? एक्स प्लस टू। ओके तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट लेट द इवेन नेचुरल नंबर इज ओके ओके बट इफ यू टेक एक्स माइनस टू, ओके तो क्या होगा? एक्स माइनस टू लेंगे तो वो भी आपका कंसेक्यूटिव ही नंबर होगा। बट अगर बात किया जाए टू का, ठीक है, अगर इन द केस जो नेचुरल नंबर है वो फर्स्ट वाला टू हो, ठीक है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? टू माइनस टू, ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो मतलब कि आपको एक्स माइनस टू लेने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो द नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स प्लस टू। ओके तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर रहा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। ओके तो स्क्वायर जैसे फर्स्ट है आपका एक्स, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका सम जो है स्क्वायर्स का सम कितना है? 244। 244 तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे हम लोग जो है वो साइन यूज करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके तो यहाँ पे जो हम लोग साइन यूज करेंगे और का साइन यूज करेंगे। ओके तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपांड कर देते हैं एक्स प्लस टू को, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू, तो ये होगा आपका फोर एक्स प्लस टू टू जा फोर इक्वल टू 244। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 4x, यहाँ पे प्लस 4 है और ये 244 है, तो 244 इधर आएगा,
तो 244 माइनस साइन के साथ आएगा, उसमें प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे होगा माइनस 240 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो 2 है वो इधर मतलब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और इधर भी 2 से, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग ये जो मिडिल वाला टर्म है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारा सॉल्यूशन करने का मेथड है। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और 2x है यहाँ पे, तो हम लोग 120 को माइनस 120 है यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका प्लस 12 और दूसरा होगा माइनस 10। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 12x माइनस 10x। इसको आप चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। इसको आप लोग नोट भी करते चलो, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग नोट भी करते चलेंगे साथ में। एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स प्लस 12 माइनस 10 और एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा x माइनस 10 इंटू एक्स माइन एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू होगा आपका एक्स इक्वल टू 10 और माइनस 12। ठीक है, तो 10x का वैल्यू क्या आया, 10 और माइनस 12। तो क्या माइनस 12 जो है वो नेचुरल नंबर है, इज इट नेचुरल नंबर माइनस 12, यस और नो? नो, सो माइनस 12 इज नॉट टेकन। ओके, सो माइनस 12 इज नॉट नेचुरल नंबर, सो वी टेक x इक्वल टू 10। ओके, तो x इक्वल टू 10 हम लोग लेंगे, therefore x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 हो गया, तो वन नेचुरल नंबर जो है वो 10, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर इक्वल टू 10, x प्लस 2 है x प्लस 2, तो ये होगा आपका 10 प्लस 2 दैट इज 12। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ये सबको क्लियर है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। अगर नोट हो जाए तो आप लोग डन लिखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ओके, आर्यन ने नोट कर लिया, वेरी गुड आर्यन। ओके, दिविजेश ने भी कर लिया, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज। ओके, कितने ऑरेंज हैं? 150 ऑरेंज ट्रीज। ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। ओके, सो हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 150। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इट्स 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। जो भी कॉलम में है आपके, मतलब जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे जो ईच रो में आपके जो ट्रीज हैं वो 5 मोर है, मतलब 5 ज्यादा है, और कॉलम में जितना है उतना है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि रो में और कॉलम में कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं। ओके, तो ये आपका एक चार्ट भी दिया हुआ है, इसे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अगर चार्ट नहीं दिया भी रहता तो आप कर सकते हो। कैसे? तो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम इज एक्स, मतलब हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक कॉलम में जो है वो एक्स नंबर ऑफ ट्रीज है। ओके, देन किस स्टेटमेंट से? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट से हमको दी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट में एक चीज और दिया हुआ है कि जो रो में आपके ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज वो 5 मोर है कॉलम से। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा जल्दी से आप बताओ, यहाँ पे 5 ज्यादा है, यानी कि ये हो गया आपका एक्स प्लस 5। ओके, वेरी गुड मैत्री। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, अब जैसे कि आप लोग प्लेयर में जब आप खड़े होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि रो और कॉलम में खड़े होते हैं, तो जैसे कि अगर काउंट करना होगा, जैसे कि ऐसे ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ डॉट्स रो और कॉलम में आपका दिया हुआ है। ओके, तो अगर कैलकुलेट करना होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ डॉट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमको पता है, तो टोटल कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं, 4, तो 4 × 5 यानी कि 20 डॉट्स यहाँ पे है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है, तो कॉलम में जितना है और रो जितना है उसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो x × x + 5। ओके, x × x + 5। फिर नेक्स्ट, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो एक क्वेश्चन में एक और लाइन गिवन है कि मिस्टर देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। ओके, मतलब वहां पे 150 ऑरेंज के ट्री हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना गिवन है, 150, और यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है x × x + 5 ट्रीज है वहां पे, तो हम लोग इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x × x + 5 इक्वल टू 150। ओके मैत्री, आपने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया, उसके बाद ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया अभी, लेकिन हुआ नहीं है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता है कि जो मतलब डिग्री होगा वो आपका 2 होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x × x, x²
प्लस 5x इक्वल टू 150, ओके। और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0, ओके। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, ओके। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए आप लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, सॉल्व करिए आप लोग। आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, ओके, और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसी ने सॉल्व किया? एक्स का जो वैल्यू आया वो माइनस 15 और 10 आएगा, ओके ओके। आर्यन ने सॉल्व किया 10, वेरी गुड। तो सिर्फ 10 आया है आपका आर्यन, या फिर माइनस 15 भी आएगा? माइनस 15 भी आएगा, और माइनस 15 जो है हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो नंबर जैसे कि ट्रीज है तो वो माइनस में थोड़ी ना होगा, माइनस 15 ट्रीज, ओके। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे ट्रीज जो है वो नेचुरल नंबर में ही होंगे, ठीक है, या फिर होल नंबर में होंगे, 0 ट्रीज, 1 ट्रीज, 2, 3, 4 ऐसे, तो निगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग माइनस 15 को जो है, ओके आर्यन, तो माइनस 15 को जो है हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो आपका 10 होगा, तो एक्स का वैल्यू 10 होगा, यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज इन द कॉलम क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10, ओके। फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या होगा, x प्लस 5, मतलब कि 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 15। और यहाँ पे ट्रीज लिखना जरूरी है, एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 15 क्या है, 15 ट्रीज है, ओके, और यहाँ पे 10 ट्रीज है, तो इसको लिखना नहीं भूलना, ओके। तो ये सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर थर्ड? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स. ओके, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज इज 1/6. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज हमको पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विवेक जो है वो ओल्डर है किससे? किशोर से. वो भी कितना? 5 ईयर्स. ओके, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि किशोर का जो एज है वो एक्स ईयर्स है. ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज एक्स ईयर्स. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक एज, आप देखिए विवेक का एज जो है वो 5 ईयर मतलब ओल्डर है वो, तो यानी कि ओल्डर का मतलब क्या हुआ? वो उससे बड़ा है, तो एक्स प्लस 5 होगा. ओके, एक्स प्लस 5 ईयर्स. ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको मतलब लिखना जरूरी होता है. जैसे यहाँ पे एज का बात कर रहे हैं तो ईयर्स लिखेंगे, अगर वही मीटर और सेंटीमीटर का बात होगा तो वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल्स आप समझते हो, रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेज इज 1/6. ठीक है, तो रेसिप्रोकल का सम करना है. तो किशोर का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/x, और विवेक का एज का रेसिप्रोकल 1/x+5. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/x+1/x+5 इक्वल टू 1/, कितना है सम? 1/6 है. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे. तो ये होगा आपका x इंटू x+5. यहाँ पे होगा x+5 प्लस x इक्वल टू 1/6. x और x यहाँ पे होगा 2x+5. अब इस 6 के साथ इसका मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में. ओके, और फिर नीचे वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे होगा x इंटू x+5. तो 6 2 12x+30 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो हम लोग इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर. तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इधर 12x है. तो 5x-12x कितना होगा? -7x. ओके, -30.
इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 30 है, ओके, और यहाँ पे माइनस 7 है, तो यहाँ पे माइनस 30 है और यहाँ पे हमको माइनस 7 चाहिए, तो कौन कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 10 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, माइनस में माइनस 30 होना चाहिए, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस में है, तो जो लार्जर नंबर है उसमें हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, 10 इंटू 3, तो निगेटिव हमको चाहिए, तो माइनस 10 यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस 10 प्लस 3 आपका माइनस 7 होगा, या फिर आप फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, तो होगा x माइनस 10 प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे होगा x माइनस 10 इक्वल टू जीरो, यहाँ पे होगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 10 इक्वल टू जीरो, ओके, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 3 और 10, ओके, तो यहाँ पे एक x का वैल्यू माइनस 3 आया और दूसरा 10 आया, तो यहाँ पे आपका जो एज जो है, यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है, एज का, ठीक है, तो एज क्या निगेटिव हो सकता है क्या, तो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्स किसको माना है, ले प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज एक्स ईयर्स, ओके, एक्स का जो वैल्यू है वो 10 होगा, तो देयरफॉर किशोर प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 इयर्स, एंड विवेक, ठीक है, विवेक प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स प्लस 5, दैट मीन्स 10 प्लस 5 इक्वल टू 15 ईयर्स, ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इज इट क्लियर, ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
सबने नोट कर लिया। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुयाश स्कोरड मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। ओके, फाइव टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो चलिए इसको हम लोग उस पर लेके चलते हैं, ठीक है, बोर्ड पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सुयाश का स्कोर है वो सेकेंड टेस्ट में कितना है, 10 मार्क्स जो है वो मोर है। ओके, मतलब 10 मार्क्स ज्यादा है। और सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है कि फाइव टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट है, मतलब कि जो सेकेंड टेस्ट का फाइव टाइम्स है वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। ओके, तो फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर है उसको हम लोग एक्स एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन। ओके, लेट फर्स्ट टेस्ट इज एक्स मार्क्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिछला वाला क्वेश्चन में आपका एज था तो इयर्स लिख रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर है वो कितना है, एक्स मार्क्स। ओके, अब हमको सेकेंड टेस्ट का मार्क्स पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए इस स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि सुयोश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट, मतलब सेकेंड टेस्ट में जो मार्क्स है वो कितना होगा, यहाँ पे लिख दीजिए स्कोर इन सेकेंड सेकेंड टेस्ट का स्कोर कितना होगा, x प्लस 10। ओके, यहाँ पे फिर हम लोग मार्क्स लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि फाइव टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट का स्कोर क्या है, इतना है, वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, जो फर्स्ट टेस्ट का मतलब मार्क्स है उसका स्क्वायर जो है वो सेकेंड टेस्ट के फिफ्थ टाइम से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव इंटू कितना है, फाइव इंटू एक्स प्लस 10। ओके, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हम लोग बनाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव एक्स प्लस 10, फाइव एक्स प्लस 50। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस 50 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर्मूला का यूज करके। तो x इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके,
तो ये अब बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग कर लेंगे। ओके, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थेन पोर्ट्स। ओके, अर्थेन पोर्ट्स वो मतलब बनाता है। ओके, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन डेली बेसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट इज रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स मेक्स इन वन डे। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे इज रुपीज 600, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स ही मेक्स पर डे। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग ले चलते हैं वहां पे पूर्ण। तो ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, मतलब ईच मतलब प्रत्येक पोर्ट का जो कॉस्ट है वो कितना है, रुपीज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। ओके, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है उनका कितना है, 10 टाइम्स और प्लस 40। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करें एक्स। ओके, यहाँ पे एज्यूम क्या करना है, कैसे हम लोग समझेंगे? तो यहाँ पे क्लियरली आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका पोर्ट्स का ईच पोर्ट का जो कॉस्ट है वो क्या है, 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x। ठीक है, अगर इसको x एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस 40, तो ये ईच पोर्ट का कॉस्ट हमको मिल जाएगा। फिर क्या है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट, मतलब जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है जितने भी पोर्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन कॉस्ट 600 गिवन है। हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं और प्रत्येक का कॉस्ट कितना है, तो हम लोग उसे टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट जो है होगा वो आपका 600 के इक्वल होगा, तो हम लोग उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पोर्ट, मतलब वन पोर्ट का कॉस्ट, उसके बाद फिर नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट लेट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स ईच एक्स। ठीक है, तो कितने पोर्ट्स हैं, एक्स है। ओके, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट। ओके, प्रत्येक पोर्ट का कॉस्ट कितना है होगा, तो ये होगा 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो मतलब 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स x है, तो 10 इंटू एक्स यानी कि 10x, और 40 मोर है। ठीक है, मतलब 40 रुपीज मोर है इससे, तो प्लस 40। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट जो है वो 10x प्लस 40। तो अब हम लोग इक्वेशन इसका बनाएंगे, तो कैसे इक्वेशन बनाएंगे इसका, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 600। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 600। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स x और ईच पोर्ट का कॉस्ट कितना है, 10x प्लस 40,
तो इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा 600। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और एक्स इंटू 10x+40। ठीक है, अब यहाँ पे x और 10x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² +40x। अब यहाँ पे इधर 600 है तो इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो गया आपका -600 = 0। फिर यहाँ पे 10 कॉमन निकाल सकते हैं तो हम लोग 10 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 10 कॉमन हो जाएगा x² +4x -60 = 0। ठीक है, तो और 10 इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² +4x -60 = 0। अब यहाँ पे 4x है तो हम लोग इसको यहाँ पे -60 है। ओके, तो -60 है और 4x है तो 60 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 6। ओके, तो ये होगा 60, लेकिन निगेटिव है यानी कि इसमें से कोई एक निगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। ओके, +4 है यानी कि जो स्मॉलर नंबर होगा उसके पास हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। तो ये हो गया आपका x² +10x -6x -60 = 0। ओके, -6 -6। ओके, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये होगा x+10 इंटू सॉरी -6 x+10 = 0। यहाँ पे होगा x-6 इंटू x+10 = 0। ओके, तो देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6 और -10। ओके, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो निगेटिव हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, टोटल पोर्ट्स इक्वल टू 6। ओके, और कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट इक्वल टू 10x+40। तो 10 × 6 +40, तो 10 × 6 60 और +40 ये हो जाएगा आपका 100। ओके, तो कॉस्ट जो है ईच पोर्ट का कॉस्ट जो है वो आपका हो गया 100 रुपीज। ओके, ये क्लियर है सबको। अविघ्ना, धीरज, जय, मैत्री, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ओके, प्रतीक जो है वो 36 किलोमीटर उसको डाउन स्ट्रीम में और एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब डाउन स्ट्रीम में वो ट्रेवल करता है और रिटर्न करता है उतना ही, तो उसको 8 आवर का टाइम लगता है। ओके, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर। ओके, 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उसका जो स्पीड है बोट का
वो अगर स्टील वाटर है उसमें आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या होगा, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर करेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि वाटर करेंट का जो स्पीड है वो एक से, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करेंट बी एक्स, ओके, एक्स किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका डायमेंशन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, यहाँ पे आवर्स में है, यहाँ पे किलोमीटर में, यहाँ पे किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जो स्पीड एज्यूम करेंगे वो किलोमीटर पर आवर में ही एज्यूम करेंगे। ओके, तो वाटर करेंट का स्पीड जो है एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो अप स्ट्रीम का क्या होगा स्पीड, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे जो स्टील वाटर में जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो स्टील वाटर में मतलब कि वो मूव करता है, ठीक है। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा डाउन स्ट्रीम का मतलब। इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर करेंट और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर करेंट। ओके, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि मतलब जिधर आपका वाटर करेंट का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में, जैसे कि ये आपका रिवर है, ओके, और रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, रिवर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि इसी डायरेक्शन में अगर आपका शिप मूव कर रहा है तो ये आपका डाउन स्ट्रीम हुआ। अगर जो ये डायरेक्शन मतलब वाटर करंट का जो डायरेक्शन है उसके अगर हम अपोजिट जाते हैं तो उसका मतलब हुआ कि अप स्ट्रीम। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको देखने को मिलता है। ओके, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, अब देखिए वाटर करंट का जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, ओके, और स्टील वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब कि अगर ये एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आपका वाटर करंट मतलब कि पानी जो है वो फ्लो हो रहा है, तो जो डाउन स्ट्रीम और स्टील वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपका बोट जो है वो मूव कर रहा है, तो वाटर करंट का स्पीड अगर मतलब शांत पानी है, ठीक है, तो उसमें 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो अगर इसमें फ्लो कर रहा है मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस एक्स होगा, ठीक है, 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा। ओके, फिर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, क्या होगा, अब अप स्ट्रीम में मतलब कि
इधर आपका वाटर करंट है डायरेक्शन, और इसके अपोजिट में बोट मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहले 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो क्या था, स्टील वाटर में उसका स्पीड था। तो अब अपस्ट्रीम में क्या, जितना इधर मूव करेगा उतना जो वाटर करंट का स्पीड है इधर उसको उतना बहा के लेके जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस x होगा। ठीक है, तो 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा अप स्ट्रीम। ओके, तो ये हमको स्पीड मिल गया। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का। तो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 8 आवर्स जो है उसको टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल लेंगे कि अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगता है, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगता है। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार हम लोग लिखेंगे T1 मतलब ये आपका डाउन स्ट्रीम का, प्लस T2 अप स्ट्रीम के लिए T2 मैं लिख रहा हूँ। अब दोनों टाइम कितना है, दोनों का सम 8 आवर्स है। ओके, 8 आवर्स। तो T1 इक्वल टू क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितना है 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का, तो 12 प्लस x प्लस T2 का स्पीड कितना है, T2 का टाइम हमको निकालना है। तो डिस्टेंस बाय टाइम इसमें भी होगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाई 12 माइनस x इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 36 कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको ऐसे ही कॉमन ले लेते हैं। ओके, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 प्लस x और 12 माइनस x है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 12 प्लस x टाइम हो गया है, लेकिन 5 मिनट और आप लोग को लगेगा ये सॉल्व करने में। ओके, तो देखिए इसको 12 प्लस x और 12 माइनस x, और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे होगा 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x इक्वल टू 8। तो 12 यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाई, अब ये 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b² का। ओके, तो यहाँ पे a+b × a - b है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² यानी कि 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका फिर इधर हो जाएगा आपका 8 / 36। ओके, 36 को मैंने नीचे लेके आया है, इधर डिवाइड किया है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। ओके, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 24। ओके, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 8 × 12 स्क्वायर - x स्क्वायर इक्वल टू 36 × 24। ठीक है, तो ये 8 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 84। ओके, तो यहाँ पे होगा 12 का स्क्वायर 144 - x स्क्वायर इक्वल टू 36 × 3 18 108। यहाँ पे -x स्क्वायर है और यहाँ पे 108 है। ओके, तो यहाँ पे होगा x² इक्वल टू 144 माइनस
108, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका 36, ओके। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 36, तो 36 का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 6, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो प्लस माइनस 6 आया। तो स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू 6 लेंगे, तो स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये क्लियर हो गया सबको, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो जो क्वेश्चन बच गया 8, 9 और 10 वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो हो गया है। ओके मैथ्री, वेरी गुड। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आपका नेक्स्ट होमवर्क जो है वो आज का होमवर्क प्रॉब्लम सेट टू रहेगा, ओके। तो इसका क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन इसमें 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 तक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1 to 10 आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 2 का 1 to 10। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इसका जो क्वेश्चन बच गया है उसको करेंगे, और इसमें जो डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। अब आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, ओके, बाय, थैंक यू मैत्री।